ओम साई राम। मैं दर्शन शर्मा। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। मैं दर्शन शर्मा साईं म्यूजिकल ग्रुप की ओर से साईं सा चरित्र प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी हाँ, साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा। आप सभी शिरडी के साईनाथ महाराज के विषय में लगभग सभी सब कुछ जानते हैं। जी हाँ, लगभग सब, अनभिज्ञ कोई नहीं है साईं सा चरित्र से। सभी बाबा के विषय में पूर्णतः सब जानते हैं। अब चूंकि साईं सा चरित्र प्रसंग में साईं का ही विवरण है, तो साईं बाबा के प्रसंग से लेते हैं। शिरडी के साईनाथ महाराज, इनके माता पिता के विषय में, जन्म स्थान के विषय में, और कहाँ इनका कब कैसे जन्म हुआ कोई नहीं जानता। ना इनके माता पिता के विषय में कोई जानता है और ना ही इनके जन्म स्थान के विषय में। इस विषय में काफ़ी छानबीन की गई, परंतु कोई भी इनके माता पिता के विषय में नहीं जान पाया। जी हाँ, इनके माता पिता, जन्म स्थान कोई भी नहीं जान पाया। बहुत छानबीन की गई, काफी पूछताछ की गई, आज तक ये एक पहेली बनी हुई है शिरडी के साईनाथ के विषय में। 16 साल की अवस्था में साईनाथ महाराज, 16 साल की अवस्था में साईनाथ एक नीम वृक्ष के नीचे अपनी साधना में लीन सभी शिरडी वासियों को दिखाई दी। जी हाँ, 16 साल की अवस्था में शिरडी वासियों को एक नीम वृक्ष के नीचे साईं बाबा बाल्यावस्था में, यानी 16 साल की अवस्था में दिखाई दिए। सभी शिरडीवासी प्रतिदिन आते जाते उस बालक को निहारते, देखते और बेहद प्रसन्न होते कि ये बच्चा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। बहुत सी महिलाएं कहती, अरे इस उम्र में इतनी कठिन तपस्या, अरे ये तो खेलने की उम्र है, इस खेलने की उम्र में ये बच्चा इतनी कम उम्र में इतनी गहन तपस्या। बहुत ही विचित्र लगता था सबको। जी हाँ, बहुत विचित्र। सभी देखते, सराहते, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पूछ ले कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्योंकि वो किसी से भी नहीं मिलते थे, बातचीत नहीं करते थे, बस हमेशा अपनी साधना में वो लीन रहते थे, अपनी साधना में लगे रहते और ईश्वर से अपना ध्यान, अपनी अवस्था, अपना ध्यान सब बनाए रखते। ध्यान केवल उस ईश्वर का था। सब आते जाते बस यूं ही उस बालक को निहारते। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, बहुत समय बाद ये चर्चा का विषय बन गया कि एक बच्चा नीम वृक्ष के नीचे साधना में लीन है। ये बात चारों तरफ शिरडी में फैल गई, चारों तरफ। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं दर्शन शर्मा, ओम साई राम, आप सबको साईं सा चरित्र प्रसंग में जो भी आपको अच्छा लगता है, ओम साई राम लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा।
ओम साई राम।